हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक में यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। हम समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं, हमने आपको बताया था कि होल नंबर के बारे में, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 10, 10, 10, infinite। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर 111 पूर्ण संख्या कहा जा रहा है। अगर हम आपसे कह दें प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो आपको समझना होगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक केवल 4 तक ही होगा। क्यों, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 5। कहने का मतलब यहाँ पर 0 शामिल होगा, 0 को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती से आप 5 लिख बैठेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है, अगर 5 पूर्ण संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, वहाँ पे हमें 0 को शामिल करना होगा और वो भी एक नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ 5 संख्या की अगर बात करें तो लास्ट वाला नंबर जो हमारे पास होगा वो कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर। अगर हमसे कह दिया किसी ने 10 पूर्ण संख्याएं, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि लास्ट वाला नंबर मेरे पास क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। अगर हमसे किसी ने कह दिया कि 15 पूर्ण संख्याएं, तो हमको पता चल गया कि लास्ट वाला नंबर मेरे पास क्या आने वाला है, 14 आने वाला है, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले जो पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक निकालना सीखते हैं, तो हमें करना क्या है कि हमने एक एग्जांपल लिया छोटा सा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के योग का योगफल से बताइए, क्या बताइए, सिर्फ योगफल। तो आपको पता है हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होने वाले हैं 0, 1, 2, 3, 4 बस। तो अगर आप ध्यान दें तो ये प्राकृतिक संख्या, यहां से अगर ध्यान दें तो ये प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है और उस पर जोड़ पे 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अगर हम ये 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 में 0 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, और 10, और इसमें हमसे अगर इकाई का अंक पूछ दिया जाए तो इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 0। लेकिन ये तो एक छोटा नंबर था इसलिए आपने आसानी से निकाल लिया। आपने बड़े नंबर अगर कह दिए जाते 25, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 25 पूर्ण संख्याओं को लिखें और फिर उसको जोड़ें और तब उसका आंसर दें। तो आपको पता है, आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं क्या, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, n n plus 1 by 2। अभी आपने ध्यान दिया था, आपने क्वेश्चन क्या लिया था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, कितनी संख्या है, 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, सर देखिए 5 × 6/2 n plus 1, 2 × 3, 6, 5 × 3, 15। तो ये गलती ही हमको नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमसे 5 प्राकृतिक संख्या कह रहा है तो यहाँ पे तो हमारा आंसर 15 आएगा, लेकिन अगर पूर्ण संख्या कह दिया तो आपको ध्यान देना है कि ये 5 नहीं 6 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकल के आया है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो लगाना है और उस पर 0 को जोड़ देंगे तो उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 111 पूर्ण संख्याएं, तो बताइए हमारे पास अगर 111 पूर्ण संख्याएं हैं तो अगर इसको हमें प्राकृतिक संख्या लिखनी हो तो हमें कितनी लिखनी होगी, 110। क्वेश्चन चेंज हो गया प्राकृतिक संख्याओं में, क्यों, पहली 0 हो गई, लास्ट वाली 110 होगी, तभी मिलाकर कुल कितनी होगी, 111। तो आपको पता है 110 × 111/2। आपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना आ गया, 55।
आपको पता है कि लास्ट में पांच एकम पांच, लास्ट में अगर नंबर का मल्टीपल किया जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, पांच। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट नंबर है हमारा कितना आ चुका है, पांच। सेम अगला क्वेश्चन है, कितनी संख्याएं हैं, 31। कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं। अगर 31 पूर्ण संख्याएं हैं तो आप बता सकते हो ये कितनी प्राकृतिक बन जाएंगी, तो आपको पता है ये 30 प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। और 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फिर से वही आपको पुराना तरीका, 30 गुणे 31 बटे 2, सॉल्व किया कितना आया 15, 15 एकम 15, लास्ट वाला हमें नंबर कितना मिलने वाला है, 5। तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि हमें पूरा नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो जो पूर्ण संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में बदल रहे थे, तो यहाँ पे हमसे सीधे प्राकृतिक संख्याओं के ही बारे में बात कर दिया है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है कितनी संख्याएं कही जा रही, 20 कौन सी संख्या कही जा रही प्राकृतिक। आपको पता है हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से और कहां तक, इनफिनाइट। तो हमसे 20 प्राकृतिक संख्या कही गई, तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का भी यह फिर से वही तरीका, 20 गुणे 21 बटे 2, सॉल्व किया कितना आया 10, और इस जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या मिलने वाला है, 0। तो यूनिट डिजिट नंबर जो हमारे पास आ चुका है वो कितना आएगा, 0। ठीक, अगला क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सेम वही क्वेश्चन है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, तो 30 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कह रहा है तो हमें 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो 30 गुणे फिर से वही पिछले वाले तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व किया कितना आया 15, और 5 कम 5, पूरा गुणा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आप योग नहीं निकालना है, आपको इकाई का अंक निकालना है, तो लास्ट वाला नंबर केवल पता होना चाहिए। तो 5 कम 5 हमारे पास आंसर कितना आ चुका है, 5। तो यूनिट डिजिट नंबर इकाई का अंक कितना आंसर आएगा, 5। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रथम 100 सम संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक हम लोग ने निकाला है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सम संख्याओं की, और सम संख्याओं में भी कैसे क्वेश्चन है, 100 सम संख्याओं के योग, 60 सम संख्याओं के योग, यानी ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो हमने उसमें क्या लगा रखा है, तक। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 50 तक सम संख्याओं के, इनके लिए भी हम लोग मेथड जानते हैं, समझते हैं जरा ध्यान से। पहला हम यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल देंगे कि क्वेश्चन में हमसे योग के बारे में सबसे पहले बात हो रही है कि जब तक आप योग नहीं निकाल पाएंगे तब तक इकाई का अंक नहीं पता चलेगा। तो हम लोग पहले योग निकालना सीखते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे आपने नंबर लिया प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याएं। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, अपने आप फॉर्मूला आपको बनाना सीखना है। कैसे सीखेंगे जरा आप समझते हैं। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं, यहां पे प्राकृतिक नहीं कर देंगे हम लोग, सम संख्याओं का योग निकालना। आपको पता है पहली सम संख्या, आपको पता था कल हमने बताया था आपको लेक्चर में कि सम संख्याएं जो भी होंगी वो 2 से कटेंगी, और जो सम संख्या नहीं होगी तो 2 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब सम संख्याएं 2 से कटती हैं और विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रथम 2 सम संख्याओं का योग जो है इसको आप कैसे निकालेंगे, बिना फॉर्मूले को आपको सॉल्व करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा कि पहली संख्या होती है सम 2, अगली संख्या कितनी होती है 4, इन दोनों का योग के बारे में बात कर रहा है। आपने आंसर देखा कितना आ गया, 6। अगला अगर एग्जाम्पल हम लें कि प्रथम 3 सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं, 3 सम संख्याएं, तो आप जान रहे होंगे कि 2, 4 और 6, 6, 4, 10 और 2 कितना आंसर आ गया, 12 आ गया। यहाँ पे आंसर कितना आया, 6 आया। तो हम लोग खुद फॉर्मूला बना लेते हैं। आप देखिए कितनी संख्याएं थी, 2, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 6, 2, 3, 6, यानी कि इसके ठीक बाद वाले अगर नंबर से हम मल्टीपल कर दें तो हमारे पास आंसर आ जा रहा है। कितनी संख्या है, 3, 3 चौको 12, देखिए आप, आपके पास आंसर आ जा रहा है। अगर हम यहीं पर कर दें
क्वेश्चन में प्रथम चार सम संख्याएं, तो आपको पता है छह के बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो कितना आएगा, आठ। आठ छह चौदह और चार अठारह और दो बीस। आप देखिए कितनी संख्याएं थी, चार। क्या हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि अगर चार संख्याएं, चार के ठीक बाद वाला नंबर पांच, चार पंचे बीस। तो आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला खुद बनाना सीखना है कैसे। कितनी संख्याएं थी, दो, तो दो गुणे तीन आंसर आ गया छह। कितनी संख्या है, चार, तो चार गुणे पांच आंसर कितना आ गया, बीस। कुछ भी नंबर हो आपको यही करना है। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला भी आप देखिए कैसे बना है कि प्रथम कितनी संख्या आपसे कहा जा रहा है, दो संख्याएं, तो हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपने देखा कि जब संख्या हम दो ले रहे थे तो आप देख रहे थे किससे गुणा कर रहे थे, ठीक उसके बाद वाले नंबर से। तो आप जब एन संख्याएं हैं, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, तो कुछ भी संख्या होगी उसके ठीक बाद वाली संख्या से आपसे क्या करना है, गुणा कर देना। आपने फॉर्मूला बना लिया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, कितनी संख्याएं हैं, सौ संख्याओं के योग का इकाई का अंक आपसे पूछा गया है। आपको पता है कितनी संख्या है, सौ। हमें पता है कि टोटल नंबर जो है वो सौ है, ये बता रहा है कि हमें सौ संख्याएं लेनी है, उनका योग करना है। तो आपको पता है अगर सौ संख्याएं हैं उसके ठीक बाद वाला नंबर आ जाएगा 101। आप अगर इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास उन सभी संख्याओं का योगफल आ जाएगा, वो योगफल होगा 10,100। फिलहाल हमें क्वेश्चन में गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि योग नहीं, हमसे क्या पूछा गया, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमारा आंसर कितना आ चुका है, जीरो। तो यूनिट डिजिट नंबर हमें कितना मिल चुका है, जीरो। अगला क्वेश्चन आप देखें, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग का इकाई का अंक। अगर हमसे बात कही जाए कि सिर्फ योग बताइए तो हमारे पास छोटा सा काम है, क्या करना है, 60 गुणे 61। अब देख रहे हैं एन था एन गुणे एन प्लस वन, तो 60 संख्याएं हैं तो 60 गुणे 61। और आपको पता चल चुका है नंबर कितना आ रहा है हमारे पास, योग 6, और यहाँ पे कितना आ गया 36, और ये 0, 3660। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लास्ट वाला नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 0। तो यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ चुका है, 0। तो आप इस तरह से योग भी निकाल लिए और योग के साथ साथ इकाई का अंक भी निकाल लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि 50 तक सम संख्याओं के योग का इकाई का अंक। आपने देखा क्वेश्चन में कुछ बदलाव आ रहा है क्या, इसमें अलग से स्पेशल एक वर्ड यूज किया जा रहा है तक, तो आपको इसको भी निकालना सीखना है। तो इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल एक छोटा सा बताते हैं कि अगर हम आपसे कह दें प्रथम 10 तक सम संख्याओं की बात करें, तो आप देखिए 10 तक अगर सम संख्याओं की बात करें तो देखिए पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या आपको मिल रही, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर हम ये आपसे बोले कि इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करें तो आप क्या कहोगे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को तक लगा के लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को कि तक और तक नहीं लगा होगा तो दोनों में क्या अंतर है। तो तक अगर कह दिया तो आपको संख्याएं निकालनी पड़ेंगी कि कुल कितनी संख्याएं हैं। यहाँ 10 तक कहा गया था, इसका मतलब 10 के आगे हमको नहीं बढ़ना है, सिर्फ 10 को ही शामिल करना है। और कौन सी संख्या लेनी है, सम संख्या लेनी है, तो पहली आ गई 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। आपने देखा कितनी संख्याएं हो गई टोटल, 5। तो ये चीजें हमको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो समय ना बर्बाद करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हमें संख्याएं किसी तरह पता चल जाए बस। तो आप देखो कितनी संख्याएं हैं 10 तक, 5। तो आप याद रखना अगर हम 10 तक चाहे वो सम ले लें चाहे वो विषम ले लें,
दोनों बराबर होगी। क्यों? अगर पांच सम संख्या है तो पांच ही विषम होंगी। आप देख लीजिए, अगर आप एक से लेकर दस तक की संख्या लेते हैं तो दो चार छह आठ दस, ये पांच संख्या अगर सम हटा दें तो बाकी बची जो पांच संख्या है वो कैसी बची होंगी? विषम संख्या है। यानी कि सम और विषम संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं बन जाती है। तो आपको पेपर में क्या करना है, दस तक बोला तो तुरंत समझ जाना है कि ठीक इसका आधा जो होगा वो प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। और यहाँ पे नंबर आप देख रहे हैं कैसा है, जो दो से कट जाएगा। दो से क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हम दोनों उन नंबरों का आधा आधा बंटवारा कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कितनी सम है कितनी विषम। तो ध्यान दीजिए, दस तक सम संख्या की बात करें तो आप दस तक कितनी सम संख्या हो गई? पांच। तो आपको क्या करना था? सिर्फ दो से भाग करना, दो से भाग करना था। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। यह ध्यान दीजिएगा कि 50 तक कह रहा है, कहां तक कह रहा है? 50 तक। तो 50 तक यानी कितनी सम संख्या होगी आप बता सकते हो? 25। कितनी सम संख्या होगी? 25। और जब हमें संख्या पता चल गई तो मांगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते ही हैं, क्या करेंगे? उसके ठीक बाद वाले नंबर से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास इनका योग आ जाएगा। अगर हम योग की ही सिर्फ बात करते हैं तो योग देखिए आपके पास कितना आ चुका है, 25 गुणे 25 625, और 25 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 640। 25 625 और यहां पे हो जाएगा 650। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि लास्ट वाले अंक की अगर बात करें तो लास्ट वाला अंक हमारे पास कितना आ चुका है, 0। और यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट नंबर है। यही हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, प्रथम 70 तक सम संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, हमें पता चल गया है कितनी सम संख्याएं होंगी, पता चल चुकी हैं कितनी होंगी, 35। अब ठीक बाद वाला नंबर कितना होगा, 36। आपको पता है क्या निकालना है हमको, इकाई का अंक। अगर योग निकालना है तो आप नंबर का मल्टीपल कर दें, इकाई का अंक निकालना है तो लास्ट वाले नंबर का गुणा कर दें। तो 5 6 का 30 कितना आ गया, 0। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। नोट कर ले इसको। अगला टाइप क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, पहला नंबर हम लोग ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, फिर उसके बाद पढ़ा हम लोग ने प्राकृतिक, फिर सम और अब विषम। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, प्रथम 200 विषम संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। और इन्हीं क्वेश्चन में अगला वर्ड क्या रुक गया, भैया तक जुड़ गया, अब यहाँ पे तक वाले क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, यहाँ पे छोटा सा नंबर कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योगफल, पहले योगफल निकालना सीखते हैं। तो आपको पता है प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहली विषम संख्या 1, अगली विषम संख्या 3, अगली विषम संख्या 5। आप देख रहे हैं इनका अगर हम योग निकाल दें तो तीनों विषम संख्याओं का योग मिलाकर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि प्रथम 4 विषम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं, 4 विषम संख्याएं। तो आपने देखा कि 4 विषम संख्याओं की अगर बात करें तो पहली संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और इन सभी को अगर आप जोड़ दें तो आपके पास नंबर क्या मिलने वाला है, 7 5 12 3 15 और 1 16। तो इन्हीं को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या कितने विषम संख्या थी, 3। आंसर कितना आ रहा, 9। तो यानी कि क्या किया गया होगा, 3 × 3 = 9। यहाँ पे 4 विषम संख्या है यानी कि क्या किया गया होगा, 4 × 4 = 16। अगर मान लो 5 विषम संख्या होती तो क्या किया जाता, 5 × 5 = 25। चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग ने 4 विषम संख्या निकाल चुके हैं, कितना,
और इसके बाद वाला नंबर कितना आएगा? 9। और आपको पता है यहाँ तक का योग कितना हो गया? 16। और 16 में 9 जोड़ने कितना हो जाएगा? 25। तो 25 आ चुका। तो अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा। आपको फॉर्मूला सीखना है कि फॉर्मूला कैसे आया। तो जिस तरह आपने देखा कि संख्याएं थी तो आप उन्हीं संख्याओं का वापस गुणा कर दे रहे थे। अगर हमसे कह दिया जाए कि प्रथम एन विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे? n गुणे n। क्यों? जब तीन था तो आप क्या कर रहे थे? तीन गुणे तीन। तो जब n है तो n गुणे n, यानी कि n गुणे n मतलब n स्क्वायर। तो जो लोग फॉर्मूला याद रखते हैं वो लोग फॉर्मूला याद रखेंगे n स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कितनी संख्याएं हैं विषम? 50। सबसे पहले हमें क्या निकालना? उनका योग। तो आपको पता है 50 विषम संख्याएं हैं और उनका योग निकालना है, तो क्या करेंगे? 50 गुणे 50 आ जाएगा कितना? 2500। ये आ गया हमारे पास योग। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना था इकाई का अंक, तो इसलिए लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है? 0। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 200 विषम संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? आपको अच्छे से पता है कि या तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए फॉर्मूले से, 200 गुणे 200 बार एक ही है, क्या कर देंगे? 4। कितने 0? 4 0। लास्ट वाला नंबर कितना आ रहा है? 0। तो यूनिट डिजिट नंबर इकाई का अंक कितना आ चुका है? 0। आपको यहां पर योग निकालने के लिए पूरे नंबर का गुणा करना है। अगर आपको सिर्फ इकाई का अंक निकालना है तो आप डायरेक्ट यहीं पे आंसर दे सकते थे। अब इस क्वेश्चन में लगाया गया है तक। फिर से भाई आपको बताया गया था कि अगर तक लगा है तो हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, तो आप देख रहे हैं कि 80 तक विषम संख्याएं, तो हमें ये पहले निकालना पड़ेगा कि 80 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9। आपने देखा 10 तक कितने नंबर हो गए हमारे पास? 5। तो हमने बताया था कि 10 तक अगर हम बात करेंगे तो 5 सम भी होंगे और 5 विषम भी होंगे। तो आपने क्या किया? 2 से भाग कर दिया। तो इसी तरह आपके पास है 80 तक विषम संख्या निकालनी है, तो आपको पता है कि जो 2 से कट जाएंगी वो सम होंगी, बाकी बची विषम होंगी। तो 80 में अगर 2 से भाग देंगे 40, और टोटल आपके पास 80 तक की बात कर रहा है, तो 40 कैसी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। और जब हमें नंबर पता चल गए कि इतने विषम संख्याएं हैं, तो आपको पता है उन्हीं संख्याओं का गुणा कर दें तो हमको योग मिल जाएगा। योग कितना आ गया? 1600। और अगर आपसे कह दिया जाए इकाई का अंक, तो आपको भी पता है आंसर कितना आ गया? 0। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम 61 तक विषम संख्याओं के योग का इकाई का अंक। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 61 तक कितनी संख्याएं होंगी, ये 61 तक विषम संख्याओं में कितनी संख्याएं होंगी टोटल। तो हमें क्या करना है? 2 से भाग करना है, और जब 2 से आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 30 बार, यानी कि 60 तक 30 बार में कट जाएगा। और आपको पता है 61 भी एक विषम संख्या है, तो 30 तो वो हो गई, 60 तक 30 सम हो गई, 30 विषम हो गई। तो 30 तो विषम हमको मिल गई और 61 खुद एक विषम संख्या है, तो हमारे पास कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 31। और आपको पता है कि अगर योग निकालना है तो 31 गुणे 31। और आपको पता है कि डायरेक्ट इकाई का अंक निकालना है, तो इस एक का गुणा इस एक में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। ट्रेन की इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1। नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है a की पावर 25 माइनस a की पावर 7 इक्वल टू लिखा है 1828। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। आप देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है। तो अब अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे a की पावर 75 और a की पावर भी 7 है। अगर a हम कुछ वैल्यू लेते हैं तो दोनों में होगा सेम। दूसरी चीज कि पावर दोनों में क्या है? एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। एग्जांपल के तौर पे हमने एक नंबर लिया आपको 2 और पावर 75, एक ही वैल्यू यहाँ हमने 2 लेट करी है और यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 7।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, आपने 2, 3, 7, 8 के लिए पहला रूल पढ़ा था, 4 से भाग करना, तो आप 4 एकम 4 कितना बच रहा है यहाँ पे 3, और 2 की पावर 3 आंसर कितना होगा 8, और आपको पता है 2 की पावर यहाँ 75 है, आपने 2 के लिए फिर से वही रूल लगाना है, 4 से भाग करना है, 18 चौक 72 कितना बच रहा है यहाँ पे 3, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और ये ऐसा करेंगे आंसर कितना आ जा रहा है 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू जो है 8 नहीं आ रहा। अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि 2, 3, 7, 8 इन सभी जगह यही फॉलो होगा, यानी कि इसका मतलब वहां पे आंसर 0 आने वाला है। इसके बाद अगला जो नंबर है 0, 1, 5, 6 इनमें से भी कोई संख्या लेते हैं आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब कि कुछ ये फॉर्मेट काम कर रहा है कि आंसर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों वैल्यू होगी सेम। तो यहाँ पर क्या एक ही कोई पॉसिबल वैल्यू है, तो यहाँ पर एक ही कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा नो पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि सभी में आंसर यहाँ पे 0 आएगा, कभी 1828 यानी कि लास्ट में 8 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ 163 × 4256 × 63 बराबर n+2। इस क्वेश्चन में हमसे एक n की वैल्यू पूछी जा रही है और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, और अगर आप ध्यान दें तो n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें अगर ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वैल्यू उठा के पुटअप करना और चेक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 3 और ये कितना है 6, क्योंकि हम लोग लास्ट वाले नंबर का मल्टीपल करेंगे इकाई अंक आ जाता है। तो आप देखो 6 × 3 = 18 अगर हम n का मान रख लेते हैं पहले ऑप्शन से 7, तो 18 यानी कि उसका लास्ट वाला अंक आया 8, और 8 सत्ते कितना हुआ 56 यानी कि कितना आया 6, और 6 आया तो ये इकाई का अंक है टोटल। तो आप देख रहे हैं n की वैल्यू आपने रखी थी 7 और 2 = 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो आपको फिर से क्या करना है, अगला ऑप्शन पे ट्राई करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें अगला ऑप्शन मेरे पास है 6, तो देखिए 6 × 3 = 18 फिर से कितना आया 8, 8 × 6 = 48 48 में कितना आया 8। अब चेक करिए क्या n की वैल्यू हमने कितनी मानी थी यहाँ पे 6, और प्लस कितना हो 2, तो कितना हो गया 8, क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, बी पार्ट, तो आंसर कितना आएगा 6। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 7 की पावर 95 − 3 की पावर 58 आपने बताया है कि 2, 3, 7, 8 के लिए हमने क्या रूल बताया था 4 से भाग करना। अब भाग कर दिए 4 × 8 यहाँ कितना बचा 1, 15 4 × 3 = 12 कितना बचा 3, और हमने बताया था जो भी पावर बचे आप उसको पावर में चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 कितना बच रहा है 2। अब बताइए 7 की पावर 3 कितना हो जाता है 343, लास्ट में नंबर कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आप बताइए 3 से क्या 9 जाएगा नहीं जाएगा, ये गलती मत करिएगा कि माइनस का 6 आंसर दे, क्योंकि माइनस का इकाई का अंक कभी भी नहीं आता। तो आपको ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि 3 माइनस अगर 9 कर रहे हैं और माइनस का 6 आंसर कह रहे हैं तो आप प्लस 10 जोड़ दें, आंसर आ जाएगा 4। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि ये नंबर 3 − 9 है, इसके बगल में जो भी नंबर होगा उससे एक उधार ले लेंगे, तो ये नंबर 3 के बदले में 13 हो जाएगा, और 13 से 9 गया आंसर कितना बचेगा 4। आप लोगों को पता है उसमें हम लोगों ने 10 क्यों जोड़ा था, इसी वजह से 10 जोड़ा गया था कि बगल से एक उधार लिया तो 3 के बदले में वो 13 हो गया, और 10 में 3 जोड़िया 13 हो जाता है। इसलिए आप अगर माइनस का आंसर उधर आ रहा है तो आप प्लस 10 जोड़कर भी आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देख ले क्या लिखा हुआ है, लास्ट में एक वैल्यू दे रखी है k और पावर में है 72, इक्वल में है 6, यहाँ एक ऐसी वैल्यू लानी है जिससे हमारा आंसर 6 आ जाए, यानी कि इकाई का अंक, ये क्या है यूनिट डिजिट नंबर है और ये 6 आना चाहिए, और ये कब पॉसिबल है? तो हमने आपको बताया था अगर यहाँ पे नंबर 5 होगा तो क्या कभी यहाँ 6 आएगा? नहीं आ सकता। यहाँ पे बात करें 7 और 3 के लिए रूल बनाया था क्या कि हम लोग 4 से भाग करेंगे। इसके बाद देखिए 4 के लिए रूल बताया था सम और विषम वाला, तो आप देखिए 4 नंबर, अगर हम इस k की जगह पे हम 4 वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा,
और इसकी पावर को हमें चेक करना है कि कैसी पावर है। आपको बताया था हमने कैसी पावर है, ये सम संख्या है, एक इवन नंबर है। और जब भी ऐसा होता है तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, अगर एक इवन नंबर है तो पावर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 16 मतलब 6। देखिए आंसर 6 आ रहा है, तो आंसर 6 आ रहा है। किस पर आ रहा है, बी वाली वैल्यू पुट अप करने पर, जिसमें वैल्यू कितनी है, 4। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 की पावर 999 प्लस 11 की पावर 999 माइनस 7 की पावर 999। आप देख रहे हैं कि इसका भी लास्ट वाला नंबर 7 है और ये भी नंबर 7 है, जो इसका इकाई का अंक होगा वह इसका इकाई का अंक होगा, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को यहीं पे काट देना है। और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आता है, 1, तो आंसर हमारा कितना जाएगा, 1। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, रूट 1 + 2 + 3 +64 + 65 + 64 + 63 (2+1). क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 1 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है क्वेश्चन, 65 तक, और फिर यहीं से क्वेश्चन वापस आ गया है कहां तक, 1 तक। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आप एग्जांपल समझना होगा कि रूट में मैंने एक नंबर लिया 1 + 2, मैंने क्वेश्चन कहाँ तक ले गया, मैं 2 तक, और फिर वापस आया 1 तक। यानी कि क्वेश्चन ये कैसा रहा होगा, 1 + 2 + 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनमें 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि रूट में 4, आंसर कितना आएगा, 2। अगर हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा किया, हम ले गए 3 तक, 1 2 3, वापस आया 3 के बाद 2, फिर 1, तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 1 3 3 3 6 2 8 1 9, और आंसर कितना आया, 9 रूट में, तो आंसर कितना आएगा, 3। तो आप देख रहे हैं कहां तक आप ले गए क्वेश्चन, 2 तक, फिर वापस लेके आए 1 तक, तो आंसर आया 2। आप ले गए 3 तक, वापस लाए 1 तक, तो आंसर कितना आया, 3। अब हम लोग ले जाएंगे 4 तक, 1 2 3 4, वापस लाना है 3 2 1। तो आप देख रहे हैं 4 3 7 तो 9 1 10 10 3 13 2 15 1 16, और आप आंसर देख रहे हैं रूट 16, यानी कि वैल्यू किसकी हो गई, 4 की। तो हम जहां तक क्वेश्चन ले जा रहे हैं, हमारा नंबर वहीं पे आंसर आ जा रहा है। हमने 3 तक ले गए, 3 से वापस किया 1 तक, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, 3, तो आंसर कितना आया, 3। सबसे बड़ा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 4। अब अगर आपका क्वेश्चन पे ध्यान दो तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कहां तक गया है, 65। वापस हम कहां तक आए हैं, 1 तक। तो जब हम 65 तक गए हैं तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे पास, वो हमारे लिए कौन सा काम करेगा, 65 नंबर काम करेगा। यानी कि जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आएगा, 65। कितना आंसर आएगा, 65। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या है, लगातार संख्या लिखी जा रही है, प्राकृतिक संख्या, और जहां तक नंबर गया उसके बाद वापस आपको फिर से संख्या लिखी जा रही है, और कहां तक, जहां से क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। देखिए आपके अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रूट 1, आपको पता है ये रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको पता है 121 रूट में है तो कितनी वैल्यू होगी, 11। आप देख रहे हैं रूट में कितना है, 1 2 3 2 1, तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, 111 की। तो इसी तरह अगर हम बात करें यहां पे भी इसको समझने की, तो आप देख रहे थे रूट 1 तो 1 आया, 121 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अगर दोनों नंबर को ऐड कर दें तो मेरे पास आंसर कितने आने वाला है, 12। यानी कि इन दोनों नंबरों का जो आंसर है वो मेरे पास कितना आने वाला है, 12। अगर हम इसके भी बात करें तो आपको पता है ये किसका नंबर है, इसका। तो अगर इसमें हम ये भी जोड़ दें तो आप देखिए आंसर कितना आने वाला है, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर आया 1 2 3, यानी कि ये नंबर। इसी तरह यहाँ पे जो अगला नंबर है वो 1 2 3 4 3 2 1, मतलब कुछ क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा हुआ, यहाँ पे प्लस नहीं है,
यह नंबर में ऐसा नंबर रूट में है, आपको उसको सॉल्व करके निकालना है। तो और ये वन टू वन के फॉर्म पे है। तो क्वेश्चन आप देखिए, पहला जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया वन, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया कितना, और जब इसको सॉल्व किया मिला के तो आंसर कितना आया। इसी तरह अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कहाँ तक गया है, छः तक, यानी कि जो इसका आंसर आने वाला है वो आंसर कितना आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, ये इसका आंसर आएगा। आप चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो, कैसे, पहले वाले का रूट वन की वैल्यू वन, रूट में 121 की वैल्यू 11, रूट में 12321 की वैल्यू 111, इसी तरह अगले वैल्यू ये आ जाएगा नंबर चार तक, फिर नंबर पांच तक, फिर नंबर छः तक। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तीन तीन छः पाँच चार तीन दो एक, यही आंसर आ रहा। तो आपका आंसर के सामने लिखा हुआ है, बस आपको उसको पहचानना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 633 की पावर 24, 277 की पावर 38 और 266 की पावर 54। यहाँ पे हमने तीन के लिए रूल आपको बता रखा है क्या, कि हम लोग चार से भाग करते हैं। और आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी हम लोग चार से भाग करें और चार से पूर्णतया विभाजित हो जाए, देखिए पूर्णतया विभाजित हो रहा है तो आप क्या करते हो कि पावर में चार ही चढ़ा देते हो, क्योंकि चार से पूर्णतया कट रहा है। सात के लिए भी वही सेम रूल, चार से काट के आपको चेक करना है। बाकी नंबरों का आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको इकाई काम चाहिए, इसके पीछे कितने अंक लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। चार से भाग कर दिए, चार नौ छत्तीस, कितना बच रहा, दो, जो भी पावर बच रहा आप उसको नंबर पे चढ़ा दीजिए। अगले की बात करें, यहाँ पे छह की पावर कुछ भी हो, हमने आपको बता रखा है कि उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीन की पावर चार कितना हो जाएगा, 81, यानी कि आया 1, माइनस 7 का स्क्वायर 49, लास्ट वाला कितना आया 9, और यहाँ कितना आ गया 6। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखेंगे 6 और 1 7, और 7 माइनस 9 माइनस का 2, और हमने आपको बताया था इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कहा था, उधार ले लेंगे। तो आप सीधे 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 10 जोड़कर आंसर दे सकते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 8। यार अगर नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, एक था हमने इसे उधार लिया तो ये एक बन गया 11, और 11 में से 9 गया 2, और 2 प्लस 6 8, तो आंसर कितना आ गया 8। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। आप यहाँ पे सॉल्व करना है, रूल वही सेम है, 4 से भाग करना है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, कितना बचा 2, यहाँ पे भी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 9 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा 6। ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूनिट डिजिट के थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में हम आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कुछ बताएंगे, जहां पर नंबर के आगे ऐसे फैक्टोरियल लगा होगा, तो आपको वो क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है।